जा रही हूँ। अब कब आओगी? कब आओगी? हाँ वो पाली, देखो बुआ का सामान पैक करा दो। तुम अकेली अकेली बुआ पैक कर रही हैं। बैठ तो जाओ बुआ के पास। गोपाल जी, हे गोपाल जी, गोपाल जी को बड़ा दुख हो रहा है कि जा रही हूँ, कल से कहेंगे बुआ चली गई। बिस्तर उसपे बिस्तर उड़ा वो कर दिया है। क्या हमने पर वो नहीं है? हाँ। तो उसके ऊपर एक चीज लगा दी। क्या लगा दी? वही वाला बेड। क्या बेड? वो चीज नहीं है जो रखी थी। क्या रखी थी? उसे हमने उसके ऊपर रख दिया। वो बता नहीं क्या होता है। अच्छा 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 ठीक है। जिस टावर जानते हो कौन सा है? ये टावर ही तो है। कौन सा टावर है? ये टावर। अच्छा ले जाएगा उसको रास्ता मालूम है। क्या कहोगे जाके वहाँ गार्ड से? कहेंगे कि हमें हम भी जा रहे हैं। हाँ। अपने छोटे भाई वो बुआ किया। हाँ बुआ क्या था फिर? तो आपको कोई मतलब है तो रखो, पर हम नहीं आने देंगे। अच्छा हम पैसे भी हमें जाना है तो जाने दो। अच्छा हम ये कह रहे हैं। कह दोगे? हाँ ठीक है। फिर क्या? फिर भेज देंगे हम आपको। भेजोगे? भेज देंगे। ऑटो फिर कैसे मिलेगा? अब वही तो हम पूछ रहे हैं कि लेके कैसे जाओगे बुआ को? कह तो दिया बुआ ले जाएंगे, लेकिन लेके कैसे जाओगे ये तो बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्लिप है ये दूसरे दिन की है। कल दीदी ने सामान वगैरह सब रख रही थी तो वो मैंने शूट किया। उसके बाद अब ये दीदी जा रही हैं क्योंकि 1 बजे की 1:30 बजे की ट्रेन है तो उसी से जा रही हैं। ठीक है तो यहाँ पे मैं सबकी जो है क्लिप ले रही हूँ। देखो सामने दीदी, देखो इधर सारे आ रहे हैं। हम क्या करें, हम ऐसे ही हैं। हमारे देखो ये देख नहीं रही तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मम्मी जो है तिलक कर रही हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई आता है, चाहे वो कोई भी मेहमान हो, कोई भी आए, सबको मम्मी तिलक करके ही भेजती हैं। तो यहाँ पे मम्मी तिलक करेंगी, मिठाई खिलाएंगी, फिर उसके बाद जो है आगे की ओर हम लोग चलेंगे। छोड़ने जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया है कि हम सभी लोग घूमने गए थे। तो मैंने आप लोगों को सभी को बता भी दिया है। तो ये जो है ये हमारे बड़े जीजा जी हैं और बड़ी दीदी हैं, यानी कि हमारी बड़ी वाली ननद, ये कानपुर में रहती हैं। हमारी जो दो ननद हैं वो कानपुर में ही हैं, तो एक ये वाली हैं और एक और है, उनसे मैं आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है। और ये उनका बेटा है, हमारी बड़ी दीदी का ये बेटा है धनंजय, इनका धनंजय नाम है। और तो मैंने सबको अभी सबसे आपको मिलवा दिया। तो मम्मी इनका भी तिलक करेंगी और साथ में देखना अभी गोपाल जी भी करवाएंगे। गोपाल जी को देखो कितना मज़ा आ रहा है। और ये अभी मतलब इनका भी मन है कि ये भी चले जाएं, लेकिन बेचारे क्या करें, पढ़ाई की वजह से जा नहीं पाएंगे तो अभी अपना लगे पड़े हैं बॉल खेलने में। लेकिन देखना उसके बाद रोएगा भी ये बहुत। तो यहाँ पर मैंने सबको खड़ा कर लिया, मैंने कहा सब लोग भाई खड़े हो जाओ सबको। मैं ये हैं साईं, साईं को तो आप सभी जानते हैं, हमारे ब्लॉग में अक्सर साईं आते ही हैं। तो ये सब इकट्ठे हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा इस बार। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे कैमरे पे मत जाना, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है एक तो ऊपर लाइट जल रही थी तो उसकी वजह से और ज़्यादा फोकस पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो प्लीज़ इस पे माइंड बिल्कुल मत करना। मैंने कुछ कोई भी इसमें कुछ लगाया नहीं है, ये कैमरा ही कभी कभी ऐसा कर जाता है, लेकिन वीडियो मुझे डालना ज़रूरी था ये वाला, तो इसलिए मैंने डाला। यहाँ पे गोपाल जी और गोपाल जी की बुआ यहाँ पे दोनों लोग खड़े हैं। गोपाल जी अपनी बुआ को बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये देखिए उनका मतलब बैग भी खुद ही मतलब ले जाने की पूरी तैयारी है कि चलो हम लेके चलते हैं। तो सब कुछ अब सब लोग जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है ट्रेन का। तो चलिए हम आप लोगों को स्टेशन पर मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में बने रहें। ठीक है कुछ रख लिया ना? कितनी हमने इसे बोला कि बोतल रख लो बोतल रख लो, आज हम तो संग संग में लेके चले, इसे हमने पकड़ाई, बैग नहीं पकड़ने दिया बोतल दी और फिर भी छोड़े आया ये, सोचो।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग जो है पहुँच चुके हैं विजयनगर, यानी कि विजयनगर गाजियाबाद। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो ये हम लोग यहीं पे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान मिलता है। हम लोग यहीं पे आते थे बाज़ार करने के लिए, और जब हम लोग स्टेशन जाते हैं तभी इधर साइड में आते हैं, और जब कोई काम होता है तब आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं गौर सिटी में। तो अभी अब स्टेशन जो है बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, ये कि 30 मिनट तो लगते ही है पहुँचने में, अगर ट्रैफिक वगैरह ना मिले तो। हम लोग स्टेशन जो है पहुँचने वाले हैं। दे रही है, अब क्या दे रही? तो यहाँ पर देखिए दीदी जो है जा रही हैं, और अब देखिए गोपाल जी रोना शुरू करेंगे। बड़ा अजीब लग रहा है, तो स्टेशन बहुत दिनों बाद हम इधर आए हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है जब किसी को छोड़ने आओ, लगता है ना आप लोगों को भी? तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतने दिन से घर भरा भरा सा था और एकदम खाली हो गया। तो और सभी लोग पापा से ही मिलने आए थे, और पापा लोग की वजह से हम लोग इतना जो है सब लोग एक साथ आए। फिर उसके बाद हम लोग घूमने भी गए थे। तो दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ा सा ख़राब रहती है, तो इस वजह से हमने थोड़ा ब्लॉग व्लॉग एडिट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग जो है मथुरा जो है वृंदावन गए थे घूमने के लिए दोस्तों। तो मैं वो ब्लॉग भी जल्दी शेयर करूंगी एडिट करके, क्योंकि उनमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो इस वजह से इसलिए मैंने जो ब्लॉग नहीं डाल पाए, और ये ब्लॉग मुझे डालना था, तो मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लेकिन वो ब्लॉग भी आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और ये ब्लॉग को देखिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिए गोपाल जी कितना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पूछो मत। और बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे हैं। जो गोपाल जी थोड़े इमोशनल हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे पे गए हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी, अब तो मैं फिर भी स्ट्रांग हो गई हूँ पहले से, लेकिन बचपन में हम भी ऐसे ही थे। जब कोई जाता था, मौसी वगैरह जाती थी या मामा लोग आते थे जाते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, ख़राब लगता था, तो पूरे टाइम पूरे दिन मतलब अच्छा नहीं लगता था, उदास उदास सा, और रोना तो लाजमी है बचपन में, है ना। यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है। तो चलिए हम आपको घर पर जाके मिलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग 5 मिनट के अंदर अपने घर जो है पहुंचने वाले हैं। तो मैं कर रही हूँ यहीं पे इस ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप मेरे हर वीडियो देख पाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।